भारत में अब कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और ऐसी स्थिति में आईपीएल के कैंसल होने के चांसेस भी बढ़ गए हैं। और इसी कड़ी में दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 17 देसी विदेशी खिलाड़ियों के नाम बताऊंगा जो 2021 का आईपीएल नहीं खेल पाएंगे अगर इस साल का 2020 का आईपीएल कैंसल हो जाता है, और क्यों ये प्लेयर्स नहीं खेल पाएंगे ये भी बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों, एंड तक जरूर देखें। और दोस्तों आप BMCB ग्रेट फैमिली और आईपीएल फैन क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है। तो यहाँ कहीं नीचे से अभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस लिस्ट की, 17 खिलाड़ियों की सूची की। और सबसे पहले बात करेंगे आरसीबी की टीम की, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की तरफ से 3 खिलाड़ी हैं दोस्तों जो अगला आईपीएल नहीं खेल पाएंगे अगर इस साल का आईपीएल नहीं होता है। वो है दोस्तों इशूर उडाना, डेल स्टेन और मुइन अली। ये तीनों ही विदेशी खिलाड़ी हैं क्योंकि आरसीबी के भारतीय खिलाड़ी इतने सशक्त है कि वो अगला सीजन खेल जाएंगे और आरसीबी के पास करंट इंटरनेशनल मैचेस खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं। लेकिन इशूर उडाना जो कि इस साल एज ए एक्सपेरिमेंट लिए गए थे, अगले साल उनके आने के कोई चांसेस है नहीं। इसी साल उनके पास मौका था कि अगर चलते तो अगले साल रिटेन हो जाते, तो उनके लिए भी वापसी संभव नहीं हो पाएगी, वो नीलामी से पहले ही बाहर कर दिए जाएंगे। डेल स्टेन तो दोस्तों बड़ी मुश्किल से सेलेक्ट हुए थे, चोट से वैसे ही जूझ रहे हैं और ये भी कहा जा रहा था कि इस साल उनके लिए आखिरी ट्राई है आईपीएल का, तो अगर आईपीएल नहीं होता तो उनके लिए भी बुरी खबर है। और मोइन अली दोस्तों जिस तरह से पिछले साल चले थे, इस साल का आईपीएल बहुत जरूरी था उनके लिए क्योंकि अब आरसीबी में विदेशी खिलाड़ियों में भी कॉम्पिटिशन बढ़ गया था, तो इस साल उनके लिए मौका था कि किसी न किसी तरह से जो 4 फॉरेन प्लेयर रूल प्लेयर है ना आरसीबी के, उसमें अपनी जगह बना लें, और अगर वो जगह बना लेते तो अगले साल रिटेन होते, नहीं तो बाहर कर दिए जाते। तो मोइन अली भी बाहर कर दिए जाएंगे अगर इस साल का आईपीएल कैंसल हो जाता है। तो ये 3 बड़े खिलाड़ी हैं आरसीबी के जिन्हें अगले साल मौका नहीं मिल पाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के बाद अब बात कर लेते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की। हैदराबाद के पास करेंटली काफी अच्छे फॉर्म वाले और सशक्त खिलाड़ी हैं, लेकिन हैदराबाद के 2 खिलाड़ी हैं दोस्तों जिन्हें अगले साल जगह नहीं मिल पाएंगी। प्लेयर्स के नाम है दोस्तों फैबियन एलन और मिचेल मार्स। इन दोनों खिलाड़ियों को अगले साल जगह नहीं मिलेगी टीम में और पूरे आईपीएल में ये नहीं खेलेंगे अगर इस साल नहीं होता है आईपीएल। फैबियन एलन तो दोस्तों वैसे ही इस साल भी बड़ी मुश्किल से खेलने वाले थे एसआरएच की टीम की तरफ से, क्योंकि एसआरएच के पास 4 फॉरेन प्लेयर रूल के तहत अपनी टीम में जगह नहीं है, और दूसरी टीमों में भी फैबियन एलन की जगह नहीं है क्योंकि वो कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खिलाड़ी नहीं है, एक एवरेज विदेशी खिलाड़ी, और इसीलिए इस साल अगर 1-2 मौके मिलते चलते तो ही अगले साल कुछ चांसेस इनके होते। अगर इस साल का आईपीएल होगा नहीं तो एलन को अगले साल कोई चांस नहीं मिलने वाला। उसके अलावा मिचेल मार्स भी दोस्तों एज ए बैकअप ही लिए गए थे, कोई सी दूसरी टीम ने उनमें कोई इंटरेस्ट ऐसा दिखाया नहीं था। मार्स का समय आईपीएल से जा चुका है मिचेल मार्स का, और वो 2016-17 में खूब चल भी चुके हैं, बंद भी हो चुके हैं, तो 1-2 टीमें एज ए बैकअप इन्हें लेती है, अगले साल तो और कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। तो मार्स के लिए अब बिल्कुल भी रहा आसान नहीं होगी और ये भी अगले साल हमें नहीं दिखेंगे अगर इस साल का आईपीएल कैंसिल हो जाता है। तो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के बाद अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम की। राजस्थान रॉयल्स को पहले ही झटका लग चुका है, मैं आपको बता भी चुका हूँ, इनका जो टाइटल स्पॉन्सर था ना वो जा चुका है इन्हें छोड़कर, और 27 करोड़ का नुकसान इन्हें देकर गया है टाइटल स्पॉन्सर। लेकिन उसके अलावा इनके 2 खिलाड़ी हैं दोस्तों जो अगला सीजन नहीं खेल पाएंगे अगर इस साल आईपीएल कैंसिल होता है। प्लेयर्स के नाम है दोस्तों डेविड मिलर और एंड्रू टाई। ये दोनों ही विदेशी खिलाड़ी हैं, मोस्टली टीमें भारतीय खिलाड़ियों को बाहर नहीं करेंगी क्योंकि भारतीय खिलाड़ी ही किसी टीम की रीढ़ की हड्डी बनते हैं। लेकिन डेविड मिलर जिस तरह से हमने देखा है कि पिछले कई सीजन से लगातार फ्लॉप हुए हैं, आखिरी दफा आई थिंक 2014-15 के समथिंग चले थे डेविड मिलर, मतलब 4-5 साल से चले ही नहीं है। इस साल इनकी कीमत भी घट गई थी नीलामी में, तो अब तो बहुत बुरी रहा होगी इनके लिए। इस साल मौका था कि अगर मौका मिल जाता प्लेइंग 11 में तो अपनी कुछ जौहर दिखा देते ताकि अगले साल मेगा ऑक्शन में बिक जाते, लेकिन आईपीएल कैंसिल होगा तो इनके लिए रहा बहुत मुश्किल होगी। एंड्रू टाई की भी कुछ ऐसी ही कहानी है, एक सीजन में आए थे 2017-18 के दौर में, बहुत चले थे आईपीएल में, लेकिन हमने देखा कि पिछले सीजन भी नहीं चले और इस सीजन भी इंटरनेशनल क्रिकेट से भी दूर हो गए, तो
तो ये बहुत बड़ा मौका था उनके लिए आईपीएल का जो चला जाएगा और इसके बाद अगले सीजन में इन्हें भी मौका नहीं मिलेगा। राजस्थान रॉयल्स की टीम के बाद दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस की टीम की। मुंबई की तरफ से दोस्तों तीन खिलाड़ी हैं जिन्हें नुकसान होगा और अगले सीजन में वो आईपीएल नहीं खेल पाएंगे अगर इस साल का आईपीएल कैंसिल हो जाता है। प्लेयर्स के नाम है दोस्तों श्रीपेन रदरफोर्ड, मिचेल मैक्लेनगन और लसित मलिंगा। फिर मैं बोल रहा हूँ कि ये तीनों ही विदेशी खिलाड़ी हैं। अब लसित मलिंगा का तो दोस्तों हमें पता है कि वो अपना आखिरी सीजन खेल रहे हैं। इस साल उन्होंने कहा भी है कि वर्ल्ड T20 जो होगा उसमें वो आखिरी दफा खेलेंगे और फिर वो नहीं खेलने वाले हैं, तो उनका तो बनता है। लेकिन मिचेल मैक्लेनगन बड़ी मुश्किल से रिटेन हो रहे हैं मुंबई की टीम में। इस साल उनके पास रिटेंशन के तौर पे आखिरी मौका था क्योंकि अब मुंबई भी लुकिंग फॉरवर्ड करेगी। अगर मेगा ऑक्शन अगले साल होता है, इस साल आईपीएल नहीं होता, जो मौका था इनके पास चला जाएगा और मेगा ऑक्शन में मैक्लेनगन को कोई खरीददार मिलेगा नहीं। श्रीफेन रदरफोर्ड तो दोस्तों एज ए एक्सपेरिमेंट ही आए थे, एज ए बहुत तीसरी कड़ी के बैकअप आए थे वो, उन्हें वैसे ही मौका नहीं मिलने वाला था। तो एक दो मैचेस इस साल भी खेल पाते और अगले साल वो वैसे ही नहीं बिकने वाले थे। तो आईपीएल हो या ना हो, रदरफोर्ड जैसे खिलाड़ी के लिए आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में बहुत मुश्किल रहा होती है और वो भी अगले साल 2021 में नहीं दिखेंगे अगर आईपीएल इस साल कैंसिल होता है तो। मुंबई से दोस्तों अब हम सीधे चलते हैं कोलकाता की तरफ, बात करेंगे दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेयर्स के। केकेआर की टीम ने बड़ी मुश्किल से अपनी इस बार टीम बनाई है क्योंकि इनके बड़े खिलाड़ी चले गए तो ये क्राइसिस में चली गई। फिर जैसे तैसे इन्होंने कर करके एक छोटा सा इंडियन बेस बनाया और अपनी टीम क्रिएट की और एक डिसेंट टीम इन्होंने बनाई थी, लेकिन दो खिलाड़ी हमें 2021 में नहीं दिखेंगे अगर इस साल का आईपीएल कैंसिल हो जाता है। प्लेयर्स के नाम है दोस्तों शिवम मावी और नीतीश राणा। इन दोनों का दोस्तों सिर्फ एक केस है कि इन्होंने एज फ्रॉजरी की थी। एज फ्रॉजरी में दोस्तों इन्होंने ऐसा किया था कि ये जब छोटे लेवल की क्रिकेट खेलते थे, जब अंडर 18, अंडर 17, अंडर 15 क्रिकेट खेलते थे, वहां इन्होंने अपनी एज को कम दर्शाया था ताकि वो उन्हें ज्यादा मौके मिल सके, कम एज के खिलाड़ियों के साथ वो खेल सके। इन दोनों खिलाड़ियों पर केस चल रहा है। एक्सपेक्टेड था कि इस साल आईपीएल के बाद इसका रिजल्ट आता, तो इस साल का आईपीएल इनके लिए बहुत जरूरी था, स्पेशली नीतीश राणा और मावी जैसे खिलाड़ियों के प्रदर्शन के लिए, क्योंकि अगर प्रदर्शन कर देते तो शायद केकेआर इन्हें बचाने की सोच भी लेता। लेकिन अगर इस साल आईपीएल ही नहीं होता, वो सारी चीजें ही चली जाएंगी और इन पर दोस्तों बैन तो लगने वाला है और अच्छा खासा लगने वाला है। तो बस वही इंतजार इन्हें रहेगा 2021 में, वो लग सकता है और वो हमें खेलते हुए नहीं दिखेंगे। कोलकाता के बाद दोस्तों हम चलते हैं दिल्ली कैपिटल्स की तरफ, दिल्ली की तरफ। दिल्ली की टीम बहुत ज्यादा सशक्त है और सज चुकी है दिल्ली की टीम। दिल्ली के पास वो कोई खामी हमें दिखती नहीं है, लेकिन एक दो खिलाड़ी हैं जो अगर इस साल का आईपीएल नहीं होता 2021 में नहीं दिखेंगे। वो प्लेयर से दोस्तों संदीप लामिछाने और मोस्ट प्रोबेबली आवेश खान। अब संदीप लामिछाने दोस्तों एक बहुत बड़े कॉम्पिटिशन का शिकार इस साल आईपीएल में हो सकते हैं क्योंकि इंटरनेशनली जिस तरह के वो एक मिस्ट्री बॉलर बनकर आए थे, हमें पता है कि पूरी दुनिया में जहां भी मिस्ट्री बॉलर्स आए हैं वो कुछ दिनों बाद उनकी मिस्ट्री खत्म हो गई है। बहुत कम ऐसे बॉलर हैं जो सस्टेन कर पाए हैं अपनी मिस्ट्री जैसे शेन वॉर्न ने करी थी, और संदीप लामिछाने के पास भी सेम गणित है कि मिस्ट्री बॉलिंग तो इनकी चल रही है लेकिन इतने ज्यादा ऑप्शन हो गए ना स्पिन बॉलिंग में कि टीमें विदेशी स्पिनर की तरफ देख ही नहीं रही है। और इसीलिए संदीप लामिछाने के पास आखिरी मौका है दिल्ली में, अगर इस साल होते आईपीएल होता चलते तो अगले साल मौका मिलता, अदरवाइज अगले साल टीमें इन पर बिडिंग नहीं करेंगी क्योंकि भारतीय स्पिनर्स ही इतने ज्यादा हो गए हैं आईपीएल में कि विदेशी स्पिनर्स की तरफ टीमें नहीं देखेंगी। आवेश खान का भी सीधा गणित है, लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं चले हैं, चल रहे हैं तो आईपीएल में नहीं चल रहे हैं, तो अगर इस साल भी फ्लॉप हुए तो फिर वो डिंडा पेस बॉलिंग अकेडमी का हिस्सा बन जाएंगे वो भी, जो अशोक डिंडा के नेतृत्व में चलती है। दिल्ली के बाद दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं किंग्स इलेवन पंजाब की टीम की। पंजाब की तरफ से भी दोस्तों एक खिलाड़ी है जो हमें दिख सकते हैं कि इस साल अगर आईपीएल नहीं हुआ तो अगले साल नहीं खेल पाएंगे। दरअसल दोस्तों पंजाब के साथ एक सीधी बात है, दरअसल किंग्स इलेवन पंजाब की टीम एक ट्रांजिशन फेज में, एक नई टीम अब क्रिएट हो रही है अनिल कुंबले की अध्यक्षता में। लेकिन दोस्तों मुरुगन अश्विन वो प्लेयर हो सकते हैं जो हमें 2021 में ना देखें क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रायल और टेस्टेड हो गए हैं। 2017, 2018, 2019, 2016 चार साल हो गए, अगर आप लगातार फ्लॉप प्रदर्शन देंगे तो टीमें फिर भरोसा जताना कम करेंगी। पंजाब ने छोड़ा तो दूसरी टीमें बामुश्किल ही इन्हें लेने वाली है, तो बहुत मुश्किल रहा थी। इस साल अगर पंजाब के लिए अश्विन चल जाते हैं ना, मुरुगन अश्विन, तो अगले साल अच्छा खासा चांस था, लेकिन वो चांस जा सकता है अगर आईपीएल कैंसिल होता है। फाइनली दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का।
चेन्नई की तरफ से बहुत सारे खिलाड़ी ओवर एज का शिकार जो है वो होने वाले हैं। तीन खिलाड़ी है दोस्तों जो हमें अगले साल नहीं दिखेंगे अगर इस साल का आईपीएल नहीं होता है। प्लेयर्स हैं दोस्तों इमरान ताहिर, शेन वॉटसन और हरभजन सिंह। ये तीनों खिलाड़ी दोस्तों एज का शिकार होंगे। इमरान ताहिर के लिए आखिरी आईपीएल था, इससे आगे वो नहीं खींच पाएंगे, बहुत ज्यादा उम्र हो गई है। शेन वॉटसन ने भी अनाधिकारिक घोषणा दी कि आखिरी दफा ही खेलेंगे। और हरभजन सिंह का भी जो कमेंट्री बॉक्स की तरफ रास्ता वो साफ साफ दिख रहा था, इन तीनों खिलाड़ी के लिए लास्ट आईपीएल था, दैट इज वाई अगर इस साल का आईपीएल नहीं होता है तो 2021 में हमें तीनों नहीं दिखेंगे। तो ये थे दोस्तों वो 17 खिलाड़ी जो 2021 के आईपीएल में नहीं दिखेंगे अगर 2020 का आईपीएल कैंसल हो जाता है। और हमने सारे प्लेयर्स के आपको कारण भी बताए। कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप जरूर बताइए कि आपके हिसाब से कौन से खिलाड़ी को देखना चाहिए, और अगर आपके दिमाग में भी कोई ऐसा खिलाड़ी आ रहा है जो 2021 में नहीं दिखेगा तो उसका नाम भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। YouTube ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया है तो अपने आईपीएल का दिमाग कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइए, कमेंट जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।